से आ रहे हैं। इसकी परंपरा तो रामायण काल तक जाती है कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से पुनः अयोध्या पधारे तो उनका हर्षोल्लास से गांव वालों ने स्वागत किया। उस महापर्व को, उस महान दिन को मनाने के लिए यह दिवाली का प्रारंभ किया गया और सभी संप्रदायों में हिंदू मात्र इस पर्व को सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का इस रूप में मनाते हैं। उस अनुसार पुष्टि मार्ग में भी जो पाल हवेली पुष्टि मार्ग को बिलोंग करती है तो पुष्टि मार्ग में भी दीपावली पर विशेष सेवा के क्रम रहते हैं और अन्नकूट के दर्शन भी गुजराती नववर्ष के दिन होते हैं। ये दीपावली का पर्व खास करके तो अंधेरे से उजाले तक ले जाने वाले पर्व के स्वरूप में मनाया जाता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, अपने जीवन को अंधकार से और उसका उदय, उसका विकास अच्छे प्रकार से दूसरों को भी जिससे लाभ मिले, जो दीपक का स्वभाव है कि अन्य सब जगहों को प्रकाशित करता है उस तरह हम भी और लोगों के जीवन को प्रकाशित करें, यह प्रेरणा हमें दीपावली का पर्व देता है। क्योंकि नहीं तो 2 वर्षों से यानी कि 2020 में गए वर्ष हम इस पर्व को नहीं मना पाए थे या कोरोना महामारी के चलते हुए। इस साल भारत में अभी माहौल कुछ अच्छा पॉजिटिव है इसलिए सब लोग इसे उत्साह से और आनंद से मना सक रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगा कि उत्साह रखें लेकिन बेदरकारी ना रखें। जो भी सरकार की तरफ से आपको सूचना जारी की है उस अनुसार ही आचरण करें और इस महापर्व को आनंद उत्साह से मनाएं और अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। यह कहकर पुनः शुभकामना देकर मैं अपना शुभकामना संदेश समाप्त करना चाहूँगा।